अस्सलाम वालेकुम तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेंथ क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नंबर फोर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है कटी हुई शांक ये बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है इसमें जो कहानी लिखी गई है जो कहानी बयान किया गया है वो जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है मतलब इस चैप्टर की कहानी को पढ़ने के बाद आप लोगों को अंत में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ सीखने को मिलेगी ठीक है मतलब इस चैप्टर में जो कहानी बयान किया गया है ना उस कहानी के हिसाब से इस चैप्टर का टाइटल भी मतलब हंड्रेड परसेंट परफेक्टली मैच कर रहा है कहानी के हिसाब से जो टाइटल होना चाहिए ना एकदम हंड्रेड परसेंट परफेक्ट टाइटल दिया गया है कटी हुई शाख ठीक है तो कहानी पढ़ने के बाद आप लोगों को मालूम चलेगा कि क्यों इस चैप्टर का नाम कटी हुई शाख रखा गया बहुत ही खूबसूरत मतलब अमेजिंग कहानी है तो मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के राइटर यानी कि मुसन्फ़ के बारे में जानिए देखिए इस चैप्टर के राइटर यानी कि मुसन्फ़ का नाम है डॉक्टर कमर जहाँ लेखक है ये जो इस चैप्टर को लिखे हैं वैसे आप लोग को इतना मालूम चली ही गया होगा कि कटी विशाख नाम का ये जो चैप्टर है ये एक अफसाना है ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है क्योंकि मैं बोल दी कि इसमें जो कहानी बयान किया गया है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो कहानी से लग रहा है ना कि ये जो चैप्टर है ये एक अफसाना है ठीक है तो इस अफसाना के लिखने वाले मुसनिफ़ डॉक्टर कमर जहाँ हैं तो सबसे पहले हम लोग कमर जहाँ के बारे में जानेंगे क्योंकि और देखिए ये जो कमर जहाँ है ना ये कोई मतलब मेल नहीं है ये एक फ़ीमेल है औरत है तो चलिए इनके बारे में जानिए देखिए कमर जहाँ की पैदाइश जो हुई है ना वो हुई है उन्नीस सौ इक्यावन या फिर बावन ईस्वी को इक्यावन नहीं तो बावन अगर ऑप्शन में इक्यावन देता है तो इक्यावन टिक कीजिएगा अगर उन्नीस सौ बावन देता है तो उन्नीस सौ बावन टिक कर दीजिएगा ठीक है और कहाँ पर तो समस्तीपुर ज़िला के बुज़ुर्ग द्वार में डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाश उन्नीस सौ इक्यावन या फिर बावन को समस्तीपुर ज़िला के बुज़ुर्ग द्वार में हुई है याद रखिएगा और इनके वालिद यानी कि इनके पिता जी का नाम है सैयद हक और आगे पढ़िए इनका ख़ानदान इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे डॉक्टर कमर जहाँ का जो खानदान था वो इल्म उदब, इल्म अदब यानी कि एजुकेशन से रिलेट था एजुकेशन में दिलचस्पी रखता था शिक्षा में ठीक मतलब है चुनानचा यानी कि इसीलिए चुनानचा मतलब होता है इसीलिए इब्तदाई तलीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एम और पीएचडी भी किया देखिए चुनान चाहिए यानी कि इनका जो ख़ानदान था वो शिक्षा से दिलचस्पी रखता था इल्म अदब से दिलचस्पी रखता था और इसीलिए कमर जहाँ जो है उनकी इब्तदाई तालीम यानी कि उनकी शुरू शुरुआती शिक्षा जो है उनके ख़ानदान में ही मिली और फिर शु, शुरुआती शिक्षा हासिल कर लेने के बाद में बाद से वो कहाँ चली गई पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने उर्दू में एम किया और उसके बाद से उर्दू में ही पी की ठीक है और उर्दू अदब से दिलचस्पी होने की की वजह से ही उन्नीस सौ छियासठ ईस्वी को यानी कि तालब इलमी के जमाने से ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया कमर जहाँ है ना वो उर्दू अदब में दिलचस्पी रहने की वजह से उर्दू में दिलचस्पी रहने की वजह से डॉक्टर कमर जहाँ है वो तालब इलमी के जमाने उन्नीस सौ छियासठ ईस्वी से ही यानी कि जब उनका स्टूडेंट लाइफ था तो स्टूडेंट लाइफ से ही वो अफसाना लिखना शुरू कर दी यानी कि कहानियां लिखना शुरू कर दी थी ठीक है आगे बढ़िए इनका पहला अफसाना यानी कि पहला कहानी का नाम है जुनून वफा याद रखिएगा को पूछ देता है कि डॉक्टर कमर जहाँ का पहला अफसाना का नाम क्या है तो उसका क्या नाम है जुनून वफा ठीक है जो पटना से उन्नीस सौ ईस्वी को सुबह नौ महनामा से अशात हुई देखिए जो जुनून वफ़ा नाम का इनका पहला अफसाना है ये पटना से उन्नीस सौ छियासठ ईस्वी को प्रकाशित किया गया पब्लिश किया गया और कहाँ से तो सुबह नौ ये जो मैग मंथली मैगज़ीन है पत्रिका जो है सुबह नौ इसी से ये जो जुनून वफ़ा नाम का पहला अफसाना है कहानी है उसको प्रकाशित किया गया ठीक है आगे बढ़िए सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शीब उर्दू से आपने तद तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शीब उर्दू तक के अहदे को संभाला देखिए डॉक्टर कमर जहाँ जो है ना वो सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर का जो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू था उर्दू का डिपार्टमेंट था उसमें वो मतलब जॉब करने लगी ठीक है और उसके बाद से तरक्की करके वो, वो जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ़ उर्दू था यानी कि उर्दू का डिपार्टमेंट था वहाँ की सदर बन गई यानी कि प्रेसिडेंट बन गई उर्दू का डिपार्टमेंट था वहाँ का जो है पमरजहाँ प्रेसिडेंट बन गई फिर वहीं से वो क्या हो गई सबक दोस्त हो गई जो प्रेसिडेंट के पोस्ट पर थी वहीं से वहाँ से रिटायरमेंट हो गया आगे बढ़िए इनके कुछ अफसानवी मजमू का नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है अफसानवी मजमू आप लोग जानते ही होंगे कहानी का किताब अफसाना मतलब कहानी और मजमू मतलब किताब कहानी का किताब स्टोरी बुक को ही हम लोग कहते हैं अफसानवी मजमू तो पहला है इनका चारागर जो कि उन्नीस सौ अड़तीस ईस्वी को प्रकाशित किया गया था ये चारागर नाम का जो अफसाना का किताब है कहानी का किताब है ये उन्नीस सौ अड़तीस ईस्वी को प्रकाशित किया गया था दूसरा है अजनबी चेहरे जो उन्नीस सौ इक्यानवे ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और तीसरा है यादनगर और ये जो किताब है कहानी का इसकी अभी अशात नहीं हुई इसको प्रकाशित नहीं किया गया है तो इसीलिए मैं लिख दी हूँ जेर अशात ठीक है आगे बढ़िए इनकी कुछ तनखीदी तसनीफ भी हैं अब यहाँ पर बात आती है कि तनफीद किसे कहते हैं देखिए तनखीद का मतलब होता है खरे खोटे की पहचान करना अगर कोई मुसनफ़ कोई राइटर है वो कोई कविता लिखता है या फिर कोई भी चीज़ लिखता है मज़मून कहानी कुछ भी लिखता है तो उसमें क्या गलत है और क्या सही है उसी की परख करना ही क्या कहलाता है तनकीद कहलाता है और जो इंसान उसको करके लिखता है कि हाँ इस लिखे हुए में ये सही है ये गलत है उसको लिखता है उस इंसान को बोला जाता है तनकीद नगार और लिखने को कहा जाता है तनकीद नगारी ठीक है फिलहाल आप लोग इतना ही याद रखिए कि तनकीद का मतलब होता है खरे खोटे की पहचान करना यानी कि कोई लेखक कुछ कोई भी चीज़ लिखा है तो उसमें क्या गलत है क्या सही है उसको जान करके लिख कर बता देना ही क्या कहलाता है तनकीद कहलाता है और तसानीफ क्या है तसानी कहते हैं क्रिएशन को मतलब डॉक्टर कमर जहाँ क्या क्या लिखे कौन 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 सी किताबें लिखे क्रिएशन को ही कितना वो क्रिएट किए अपने हाथों से लिखे उसी को बोला जाता है तसानीफ ठीक है तो यहाँ पर तनकीदी तसानीफ की बात की जा रही है यानी कि खरे खोटे की पहचान कर कर जो है डॉक्टर कमर जहाँ कौन कौन सी किताबों को लिखे और क्या क्या लिखे उसी को बोलते हैं तनकीदी तसानी तो देखिए यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है इनके लिखे हुए का जैसे कि अख्तर शिरानी की जिनसी व रुमानी शायरी मेार कलाम अब्दुल्ला आ, हाफिज मश्कीपूरी और हर्फ आ गई ये सब क्या है डॉक्टर कमर जहाँ की तनकीदी तसानीफ है तनकीद में लिखा हुआ ये क्रिएशन है ठीक है तो ये हो गया कमर जहाँ के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है अब चलिए जरा मैं इस चैप्टर को और इस पूरे अफसाने को समझाती हूँ और बताती हूँ कि आखिर इस चैप्टर में क्या बताया गया है देखिए इस कटी हुई शाख नाम के अफसाने में ना एक इंसान के बारे में बात की गई है मतलब उसी इंसान पर पूरा ये कटी हुई शाख नाम का कहानी लिखा गया है लेकिन उस इंसान का नाम नहीं बताया गया है देखिए कितना मतलब खूबसूरत तरीके से लिखा गया है कि जिस इंसान के बारे में पूरी कहानी बयान की गई है कहानी बताई गई है उस इंसान का नाम ही नहीं बताया गया है लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी की कहानी बता दी गई है देखिए वो जो इंसान रहता है ना वो एक गांव में अपने माँ बाप के साथ अपने वालिद वालदे वालदा के साथ रहता है अपने दोस्तों के साथ रहता है एक छोटा सा गांव रहता है लेकिन फिर भी उसके अंदर एक तरह से बेचैनी रहती है कि मैं इतना पढ़ा लिखा होकर इतना मतलब इल्म हासिल करके मैं एक गाँव में हूँ मुझे तो शहर घूमना चाहिए दुनिया कितना हसीन है मुझे बा बाहर जाकर विदेश जाकर कमाना चाहिए मुझे इस हसीन दुनिया को देखनी चाहिए वो अपने आप से ही कहता है कि यार तो एक कुएँ के मेंढक की तरह है जिसे इस हसीन और रंगीन दुनिया देखना बाकी है तो तो इस गांव में कुएं के मेंढक की तरह पड़ा हुआ है निकल इस ए, कुवे, मतलब कुएं से और जाकर इस हसीन दुनिया इस रंगीन दुनिया को देख विदेश जा और जाकर कमा मतलब उसके अंदर बेचैनी थी कि किसी तरह वो विदेश चला जाए और जाकर कमाए वो हसीन और इस रंगीन दुनिया को देखना चाहता था अपने गांव को छोड़कर अपने माँ बाप को छोड़कर अपने दोस्त को छोड़कर वो जाना चाहता था एक दिन क्या हुआ वो इंसान जो है अपना वीज़ा बनवा लिया मतलब वो एक, इतना एक्साइटेड था बाहर विदेश जाने के लिए कि वो किसी की भी नहीं सुन रहा था उसके आगे किसी की भी नहीं चल रही थी ठीक है और वो क्या किया अपना वीज़ा बनवा लिया और अपने गाँव को छोड़कर अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अपने दोस्तों को छोड़कर वो चला गया उस वक्त जब उस इंसान का बाप बीमार था उसके पिता जो थे वो बहुत ज़्यादा बीमार थे बीमारी की हालत में अपने पिता को छोड़कर वो इस गांव को छोड़कर चला गया अपने बचपन के दोस्त को छोड़कर चला गया ठीक है और जाकर जब वो एयरपोर्ट पर गया और वहाँ पर जाकर जहाज़ का इंतज़ार कर रहा था तो बस उसके आँख कान चारों तरफ उसके पूरे शरीर में एक तरह से खलबली थी खुश खुशी थी कि चलो आज मैं विदेश जा रहा हूँ उसके मन में कई तरीके के ख्याल आ रहे थे कि आज मैं विदेश जा रहा हूँ पूरी इस हसीन और रंगीन दुनिया को देखूँगा और खूब मस्ती करूँगा और खूब कमाऊँगा ठीक है बस उसको अपने मतलब के आगे किसी और की नहीं दिखाई दे रही थी अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चला चलाया था अपने बचपन को दोस्त को चलाया था इस चीज़ का उसको गम नहीं था बस उसको इस चीज़ की खुशी थी कि मैं इस हसीन दुनिया को देखूंगा जाकर विदेश कमाऊँगा जहाज़ आई और जहाज़ पर वो सवार हो गया और जहाज़ जो है वो उड़ान भरी और उड़ान भरने के साथ ही वो जो है ना सातों आसमानों की सैर करने लगा वो बहुत ज़्यादा खुश था कि मतलब वो विदेश जा रहा है और उसी जहाज़ में जो एयर होस्टेस होती है जो कि खाना को प्लेट में सजा कर लेकर आती है तो उस एयर होस्टेस को देख इस इंसान को ऐसा लगा कि कोई जन्नत की हूर है और वो जो एयर होस्टेस है वो मुस्कुरा कर ला कर प्लेट का खाना उसे पेश की तो उसको लगा उस इंसान को कि वो जो एयर होस्टेस है वो मेरे लिए ही वो खाना लेकर आई है और से ही सिर्फ मुस्कुरा मुस्करा कर बातें कर रही है और पूछ रही है मुझको खाना लेकिन उस इंसान का भ्रम तब टूटा जब वही एयर होस्टेस उसके बगल में बैठे बूढ़े आदमी को उसी मुस्कुराहट के साथ खाना पेश की तो उसे लग गया कि नहीं ये जो एयर होस्टेस है उसका काम ही है मुस्कुरा मुस्कुरा कर खाना देना ये सिर्फ मेरे लिए ही खाना लेकर नहीं आई थी और मुझसे ही मुस्करा बातें नहीं कर रही थी इसका काम ही है सभी लोगों को इसी तरह मतलब बातें करना सभी लोगों से ठीक है और फिर वो अपने खुशी में मुबतला हो गया कैसे कैसे रंगीन ख्याल उसके जहन में फिल्म स्क्रीन की तरह सीन बदल बदल के आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो विदेश जा रहा है ठीक है अब वो विदेश चला गया कुछ दिनों तक तो मतलब वहाँ की रंगीन और जादुई दुनिया में खोया रहा लेकिन कुछ सालों के बाद बहुत अरसे के बाद कुछ सालों के बाद जो है ना उसका जो एनक का शीशा था वो मैला होने लगा मतलब उसे धीरे धीरे मालूम चलने लगा कि ये जो विदेश की दुनिया होती है ये रोबोट की तरह होती है किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है बस सिर्फ काम करना है और पैसे कमाना है वो मतलब गया था पह, पहली पहली बार विदेश तो उसे तो शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगा वहाँ का जादुई दुनिया वहाँ का हसीन और रंगीन दुनिया उसे बहुत अच्छा लगा लेकिन कुछ सालों तक जब वहाँ पर रहा तो उससे उसका मन भर गया उसे समझ में आने लगा धीरे धीरे दी कि देखो जो है ना विदेश में ना किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचा जाता है फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा जाता है कि फ्यूचर में क्या करना है लोग हाल में जी रहे होते हैं प्रेजेंट में जी रहे होते हैं बस विदेश में लोगों को पैसे कमाना है और काम करना है पैसे कमाना है काम करना है किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है ये बात उस इंसान को जो है समझ में आने लगी एक दिन जो है वो इंसान अपने दोस्त असद के पास गया ठीक है और जाकर कहा कि यार ये जो विदेश की दुनिया है यहाँ के लोग सभी लोग तो रोबोट बन गए हैं किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है किसी से कोई मतलब नहीं है सभी लोग प्रेजेंट में ही जी रहे हैं हाल में ही जी रहे फ्यूचर का तो किसी का पता ही नहीं है ठीक है देखने में तो ये रंगीन दुनिया है लेकिन सभी लोग इस दुनिया में रोबोट की तरह काम कर रहे हैं तो उसका दोस्त असद बोला कि मुमकिन है तुम सही बोल रहे हो फिर वो इंसान जो है अपने दोस्त से बोला मतलब जो इंसान कड़ी मेहनत करके दिन भर काम करता है और रात को जब आता है तो अपने बीवी बच्चे को सोए हुए पाता है फिर सुबह अपने बीवी बच्चे के उठने से पहले ही वो काम पर चला जाता है और फिर आता है और फिर रात को देखता है कि उसके बीवी बच्चे सो गए फिर सो जाता है मतलब काम करना और पैसे कमाना काम करना और पैसे कमाने के अलावा और इस विदेश की दुनिया में है ही नहीं बाल बीवी बच्चों से मतलब बात किए हुए हफ्तों महीने हो जाते हैं ये खाक है ऐसी रोबोट की ज़िंदगी जीने में इससे अच्छा तो मेरा गांव ही था जहाँ पर मैं रहता था अब ये बात उसको समझ में आने लगी अब वो जो इंसान है उसके अंदर जो है ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ जो है छनाके के साथ गिर टूट गई है और उसकी जो करचियाँ हैं उसके अंदर अंदर ही अंदर चुभ हो रही है ठीक है उसका माँ बाप का जो है गाँव से है कभी कभी चिट्ठी आता तो उस चिट्ठियों का ख्याल मतलब उस इंसान को महीनों भर रहता था उस चिट्ठी को याद करता था और महीनों भर पढ़ा करता था उसी टेंशन में रहता था कि मेरा मतलब माँ बाप अपने गाँव में कैसे रह रहे होंगे ठीक है और एक दिन जो है उसको चिट्ठी मिली कि उसके बाप यानी कि उनके पिताजी का इंतकाल हो गया है ठीक है और उस चिट्ठी को पढ़कर वह मतलब दिल से रो भी नहीं सका क्योंकि वो क्या करता वो फिर से वापस गांव भी तो नहीं जा सकता था वो कहीं दूर विदेश चला गया था और अपने बाप का मतलब मौत की खबर सुनकर वो मतलब जी भर के रो भी नहीं सका वो इंसान ठीक है अब वो कहीं का नहीं था ना तो वो गाँव का था और ना ही विदेश का था विदेश की दुनिया तो उसे अब कई सालों के बाद अच्छी लग ही नहीं रही थी जिस मतलब जहाँ पर आने के लिए वो बहुत ज़्यादा उतावला था और जहाँ पर वो आने के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर अपने बाप को मतलब बीमारी की हालत में छोड़कर अपने बचपन के दोस्त को छोड़कर अपने गाँव को छोड़कर चला आया था अब वही जो शहर है वही जो विदेश है उसे चुभ रही थी उसे अच्छी नहीं लग रही थी अब वो चाह रहा था कि फिर से वो अपने गाँव चला जाए और ऐसा ही हुआ वो जो इंसान है फिर से अपने गांव चला गया ठीक है और गांव जाने के बाद जो अपने घर में जो है ना कदम रखा और देखा कि जो जैसा ही वो छोड़ कर गया था जिस तरह वो अपने गांव को छोड़ कर गया था बिल्कुल उसी तरह है कुछ भी नहीं बदला है जिस तरह उसका घर है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले था बिल्कुल उसी तरह अभी भी है वो आम और शरीफे के पेड़ बिल्कुल उसी तरह लहलहा रहे हैं लेकिन उस घर में जाने के बाद उसे एक अजनबी जैसा महसूस हुआ कोई भी अपनापन नहीं दिख रहा था उसकी माँ खटिया पर बैठ कर क्या कर रही थी खाँस रही थी और अपने बेटे के चेहरे पर कुछ ढूँढ रही थी Osionfish. उस जो कि उस माँ को अपने बेटे के चेहरे पर नहीं दिख रहा था मतलब वहाँ पर जाने के बाद उस इंसान को बिल्कुल भी अपनापन नहीं दिख रहा था वो अपने आप को अजनबी फ़ील कर रहा था अपने दोस्त रिश्तेदार होने के बावजूद भी अपने माँ उसकी माँ वहाँ पर होने के बावजूद भी वो अपने आप को एक अजनबी फ़ील कर रहा था ऐसा क्यों क्योंकि वो अपने माँ बाप को अपने दोस्त को अपने गाँव को छोड़ चला गया था अपने बाप के को बीमारी की हालत में छोड़ चला गया था और कई सालों के बाद उसका जब मतलब पूरा हो गया और वापस उस गांव में आया तो उस इंसान को उस उस अपने ही घर में अपने ही गांव में अजनबी जैसा महसूस होने लगा अब वो जो इंसान है अपने घर के अंदर कदम रखा तो ऐसा लग रहा था कि उसके कदम के नीचे सारा पानी पानी हो गया है और जब वो अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो छत का साया गायब है उसके बाप भी इंतकाल कर गए हैं वो अपने घर में ही एक अजनबी महसूस कर रहा था तो यहाँ यहीं पर आप लोगों का यह कहानी ख़त्म होता है लेकिन इससे सीख क्या मिलती है और वो खूबसूरत बात आप लोगों को क्या मालूम चलता है कि जिस तरह एक दरख्त से दरख्त मतलब समझते हैं ना पेड़ जिस तरह एक पेड़ से उसकी शाख शाख मतलब समझते हैं ना टहनी तो जिस तरह एक पेड़ से उसकी टहनी अलग हो जाती है कट कर और अलग हो जाने के बाद फिर से उस टहनी को नहीं जोड़ा जा सकता है बिल्कुल उसी तरह एक बार जब रिश्ता टूट जाता है तो उसको दोबारा जोड़ना मुमकिन ही नहीं है नामुमकिन है ठीक है तो जो देखिए दो चीज़ भरोसा और रिश्ता एक बार टूट जाने के बाद दोबारा नहीं जुड़ता है जिस तरह पेड़ की जो शाख होती है पेड़ की टहनी होती है एक बार टूट जाने के बाद दोबारा नहीं जुड़ पाती है बिल्कुल उसी तरह रिश्ता जो है एक बार टूट जाने के बाद दोबारा नहीं जुड़ पाता है और यही हुआ था उस इंसान के साथ वो एक बार जो है अपने गाँव को अपने माँ बाप को छोड़ चला गया था अपने रिश्ते को तोड़ चला गया था अब जब दोबारा वापस आया तो उसे अजनबी महसूस होने लगा वही गांव वाले वही माँ बाप थे लेकिन बस अपनापन नहीं था वो पहले जैसा मोहब्बत नहीं थी तो वो अपने आप को एक कटी हुई शाख की तरह वो इंसान महसूस करने लगा कि वाकई में एक बार जिस तरह पेड़ से शाख कट के अलग हो जाती है और उसको दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता है बिल्कुल उसी तरह मैं जो हूँ रिश्ता को तोड़ दिया हूँ जिसको दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता है और वो अपने आप को एक कटी हुई शाख की तरह महसूस करने लगा तो यहीं पर आपका ये जो कहानी है ये ख़त्म होता है तो आप लोग भी तो इस चैनल पर विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं और मुझे भी आप सभी लोगों पर विश्वास है कि आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ज़रूर करेंगे तो इस विश्वास को बनाए रखिए आप लोग वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ मुझे समझ में आ गया है इस विश्वास को बनाए रखना एक तो मेरी ज़िम्मेदारी है ही है कि मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया से पढ़ाऊँ बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करूँ ताकि आप लोगों का रिजल्ट बहुत बढ़िया है ये तो मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों के विश्वास को बनाए रखना लेकिन आप लोगों की भी तो ज़िम्मेदारी है मेरे विश्वास को बनाए रखना मेरा आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर किए होंगे तो कोई भी कंफ्यूज़न हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और ख़ुदा हाफिज़